हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडीज पे। तो देखो, अभी रिसेंटली चंडीगढ़ पुलिस के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिली थी। सो उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो अभी 21 से शुरू होने वाली है। सो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम भी अपना कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको बड़े अच्छे से कर सके। और इसमें आपको जो भी सिलेबस रहेगा, ठीक है, जितनी भी आपको तैयारी करवानी है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। सो देखो, जिसने अभी तक देखी नहीं है नोटिफिकेशन, तो उनके लिए बता दिया जाए कि जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट थी ये 15th को लॉन्च हो चुकी है एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें देखो, ओपनिंग डेट है वो 21 से आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी, और इसके बाद जो लास्ट डेट है आपको 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है जब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और जो टेंटेटिव डेट देखने को मिल रही है, ठीक है, जब तक इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है वो 20 अगस्त है। तो इसका मतलब है कि आपके पास नियरली 45 से 50 डे का टाइम बचता है, जिसमें आप अपनी स्टडी को काफी अच्छे तरीके से अगर आप यूटिलाइज करके पढ़ते हो तो काफी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। सो इसमें हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो, इसमें पे स्केल भी काफी अच्छी रखी गई है। आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग जो पे स्केल रहता है, वहां पे जो 7th हमारा सीपीसी प्लस है, वहां पे आपको 29,000 से लेकर 92,000 तक यहाँ पे स्केल देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो टोटल आपको 44 पोस्ट देखने को मिलेगी, और इसमें अगर अनरिजर्व की बात की जाए तो आपको 23 पोस्ट देखने को मिलेगी, जहां पे 11 पोस्ट आपकी मेल्स के लिए है और 3 आपकी फीमेल्स के लिए और ESM के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी तरह से ओबीसी एससी ईडब्ल्यू सेक्शन के लिए अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 25 ईयर तक की गई है, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल और एससी कैटेगरी के लिए 18 से लेके 30 साल तक। अगर कोई एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में अप्लाई करता है तो वहां पे उनको 45 ईयर तक की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। देखो, आपको अगर यहाँ पे एलिजिबल होना है इस एग्जाम को फिल करने के लिए, तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि आपको और क्या चाहिए, तो वहां पे आपको कंप्यूटर स्किल्स, मतलब आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा, ठीक है, या सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और उसके बाद अगर मेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग स्किल्स, मतलब ड्राइविंग आनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे 1,000 रुपये है ईडब्ल्यूएस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है और एससी के लिए 800 रुपये और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। अब जो मेन बात आती है कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, और किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। देखो, ये जो एग्जाम है ये 2 स्टेजेस में करवाया जाएगा, टायर 1 और टायर 2, ये दोनों एक ही दिन होंगे। 2 घंटे का आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। जो टायर 1 है वो एक ओएमआर शीट पे, मतलब आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा, जो 50 मार्क्स का होने वाला है, और जो टायर 2 है वो भी आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। अब देखो, जो टायर 1 में है 50 क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी कैटेगरी से आएंगे, तो आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर दोनों के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और उसके साथ ही आपको करंट अफेयर भी इसका मर्ज दिखेगा। बाद में बात करते हैं अगर तो आईटी के बारे में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर के भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर बात की जाए रीजनिंग के बारे में, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, और एथिक्स, ठीक है, एथिक्स के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का आपका टायर 1 देखने को मिलेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको 0.25 की देखने को मिलेगी। तो ये तो सारा आपका टायर 1 से रिलेटेड हो गया। और देखिए, अगर आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है तो टायर 1 में आपके मिनिमम 33% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपने मिनिमम क्वालिफाई करना है, उसका और मेरिट के बेस पे आपकी क्या होगी देखी जाएगी कि आप क्वालिफाई किया है आपने एग्जाम की नहीं किया है। अगर रिटन टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पहला मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन लिए जाएंगे। पहला आपका एक एसे आएगा जो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में देखने को मिल सकता है, वो 30 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड, आपके जो लैंग्वेज स्किल है यहाँ पे भी इंग्लिश आपके 20 मार्क्स की देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 50 मार्क्स आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। सो इस तरह का आपका ये सारा सिलेबस रहने वाला है। तो देखो, इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो भी आईटी है, जीके है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, सारी आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी। आपको एक दिन में 3 वीडियो मिलेंगी, और आपका ये जो कोर्स है ये 25 जून से लॉन्च होने वाला है,
और यहाँ पे आप 45 डे के अंदर ही क्रैश कोर्स खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जो वैलिडिटी है वो एक साल तक रहेगी, मतलब आप एक साल तक इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। और आपका जो मेन है कि आपको ये कोर्स कितने प्रोवाइड किया जा रहा है, देखो ये कोर्स आपका ओनली 999 रुपए में प्रोवाइड किया जा रहा है। सो जिसने भी कोर्स को बाय करना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल करके आपकी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो नंबर हमारा है 7814846248। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो एट द एंड अगर आपने तैयारी करनी है तो देखो आपको सारी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है कि कौन से जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है और जो चाहते हैं तैयारी को अच्छे से करना। देखो 1000 रुपए में आपको सारा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। सो इसलिए जिसने भी ज्वाइन करना है वो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो इसको ज्यादा से लाइक करना ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोर्स है वो काफी मिनिमम प्राइसेस के ऊपर है और 45 डेज के अंदर हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। और इसमें एक और बात है कि आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड मिलेगी, आपको यहाँ पे 5 टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज के साथ ही आपका ये कोर्स मिल रहा है। अगर किसी ने अलग से टेस्ट सीरीज बाय करनी है तो वहां पे 99 रुपए में आपको 5 टेस्ट मिलेंगे। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।